राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों का मामला हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दिया। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी को मिलेगा नोटिस। बड़ी जानकारी, कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर लगा रखी है अंतरिम रोक। 11 जुलाई 2013 के आदेश से लगा रखी है अंतिम रोक। चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। बड़ी जानकारी, बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी को मिलेगा नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर अंतरिम रोक लगा रखी है। 11 जुलाई 2013 के आदेश से अंतरिम रोक लगाई गई है। वहीं चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का मौका भी दिया है। तो बड़ी जानकारी, मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। तो हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दिया है और राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों का मामला है जिसको लेकर हाई कोर्ट की ओर से दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी को मिलेगा नोटिस। तो लखनऊ से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों को लेकर जो हाई कोर्ट ने दोबारा से नोटिस भेजने का आदेश दिया है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? जो ही बिल्कुल, सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की बेंच ने 2013 की वो याचिका जिसमें मोतीलाल यादव ने ये याचिका दायर की थी कि राजनीतिक पार्टियां जातियों के आधारित रैली ना करें, उस पर उस समय की बेंच ने अंतरिम रोक लगाई थी और जो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, इनको नोटिस देने का निर्देश दिया था। हालांकि वो नोटिस नहीं पहुंचा है और सोमवार को जब इस पर एक बार फिर से सुनवाई हुई तो फिर से इन चार पार्टियों को नोटिस देने की बात की गई है। साथ में नोटिस इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये पार्टियां जवाब दे सकें कि अंतरिम रोक के बाद में आज तक ये कैसे जाति आधारित रैलियां करते आए हैं, किस आधार पर। नोटिस दिया क्यों नहीं गया है, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो क्या देरी की वजह क्या रही? अब ये मामला चुनाव आयोग का है, सरकार का है, ये कहां पर रुका हुआ था, क्योंकि जब ये जुलाई 2013 का मामला है, उसके बाद में दो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, दो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और कई ऐसे चुनाव हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक ये नोटिस क्यों नहीं दिया गया, इस पे जवाब क्यों नहीं मांगा गया, इसको लेकर अभी कोई बात, ये जो कारण है वो खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अधिसूचना लागू होने के बाद में अचानक इस याचिका पर सुनवाई होना और 10 अप्रैल को इसमें अगली डेट लगी हुई है, अगली सुनवाई होगी 10 अप्रैल को, कुछ बड़ा हो सकता है इस मामले में, क्योंकि 90 के दशक के बाद में मंडल कमीशन लागू होने के बाद में जिस तरह उत्तर प्रदेश में जाति आधारित पार्टियां बनी, जाति देखकर ही पार्टियां टिकट देती हैं, प्रत्याशी चुनती हैं, साथ में हर पार्टियों में जाति आधारित कई प्रकोष्ठ हैं, तमाम उसमें मोर्चे हैं, सारा सियासी खेल जो है वो जातियों के आधार पर हो गया है। ऐसे में अगर 10 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला हाई कोर्ट सुनाता है तो आप मान लीजिए कि सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल होना तय है। जी, और अभी जो है हाई कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है, तो अब देखना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए।